तो अनाउंसमेंट अभी नहीं करते, कुछ दिन बाद करते हैं क्या? कुछ बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। मैं उसका आईफोन फेंक दूं, मेरा आईफोन फेंक दूं स्विमिंग पूल का पानी में। जो लोग इंस्टा फॉलो करते हैं उन लोगों को पता लग गया कि मैं क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या बड़ा होने वाला है एकदम। फिर मचाएंगे नेक्स्ट लेवल का पूरा एकदम। डन यो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का टाइम है एंड ये व्यू चेक कीजिए। मेरे तरफ से भी गुड मॉर्निंग है। और भाई ये कैसे पॉसिबल है, कौन सा साइंस लगाया गया? आप लोग कमेंट करके बताइए बादल कैसे नीचे आ गया। बादल नीचे नहीं, हम लोग पहाड़ के ऊपर है, ये है रीजन। हम लोग ऊंचाई में है, बहुत ऊंचाई में हम लोग। तो देख सकते हैं सुबह का कुछ व्यू क्या लग रहा है। सुबह का जो व्यू मिला ना, कमाल का। घर में अच्छे दिखा, एंड हम लोग जस्ट उठे अभी, उठ कर इतना अच्छा व्यू मिला अपने को, तो दिल खुश हो गया सुबह से। मतलब आज का पूरा दिन अच्छा जाएगा ये हमको पता चल गया। अभी स्विमिंग पूल में जाएंगे, हल्का धूप भी निकल गया, हल्का धूप निकल गया, वेदर अच्छा हो गया, बारिश नहीं हो रही, एक बात अच्छा है। A few moments later, हम लोग का ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है, तो देखते हैं पूरा बुफे सिस्टम है, कितना कुछ पूरी है, सब्जी, इडली, सांभर। चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, इससे आगे का प्लान क्या है। आकाश खा रहा है गाइस पोहा, इडली, हल्का ही। तो ये होने वाला हम लोग का आज का ब्रेकफास्ट, ये है मेरा, वो आयुष का। चलो सही है यार, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया हैवी है। बाप रे इतना, तुम तो लंच ही कर लिया रे इतना कुछ लेकर के। सही है, खाओ अच्छे से। तो ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं स्विमिंग पूल की ओर, क्योंकि स्विमिंग पूल ना आ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। जितना बार आए हैं तो उतना बार पूल में गए हैं, और ये पूल में जाने का एक अलग ही मज़ा आता है। बट अब प्रीवियस टाइम पूरा फैमिली था एक साथ, सब कोई मिल करके एंजॉय किए थे, और इस बार अकेला अकेला, तो वही थोड़ा ख़राब लग रहा है। फैमिली को लेकर भी आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, तब सबको मिल करके वापस एकदम एंजॉय होगा, सब कुछ होगा। और जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो ड्रेस है वैसा पूरा पहन भी लिया हम। ये तो नायलॉन का कपड़ा है, तो नायलॉन का कपड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है स्विमिंग के लिए, ऐसा बोला जाता है, क्या पता। इधर स्विमिंग पूल के पास इधर आ भी गया, ये रहा मेरा प्रीवियस ब्लॉग, चेक कीजिएगा। पूरा फैमिली मेंबर कितना, 15-20 लोग हम लोग थे इधर, पूरा इतना मस्ती किए थे, इतना मस्ती किया है, बोले अल्टीमेट लेवल का मस्ती किए थे पूरा। मैं फोन फेंक रहा हूँ, अच्छा कैच कर पाओ, उधर 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 लो, उठा उठा उठा, मजा आया। दोनों मैं उसका आईफोन फेंक दूं, मेरा आईफोन फेंक दूं स्विमिंग पूल का पानी में। एक सेकंड थोड़ा पोछ, अभी देखो धूप में सूखने का, यूज कौन करो, अभी यूज नहीं करे, अभी नहीं फेंक देना मेरा फोन पानी में, सारा तुम पहली फुर्सत में निकल। तो हाँ, बहुत कोई बोलता है कि अगर आप दो लोग कहीं घूमने आते हैं ना तो मजा नहीं आता, बट ये हम लोग इसको गलत प्रूव कर दिया, हम लोग दो बंदा फिर भी पूरा मजा। ब्लॉग नहीं बन रहा इतना, ये इसका फोन डुबा रहा है, मैं उसका फोन डुबा रहा हूँ, मतलब अलग ही हम लोग का चल रहा है। देखिए गाइस, पता नहीं मेरा के माइक का क्या हाल हुआ, नहीं पता क्यों बहुत एकदम पूरा फेंक दिए थे 10 मिनट कर पानी के अंदर। ये शैतान आदमी वापस से फेंका, वापस से फेंका, नहीं इस बार डुबाए गाइस, इस बार फेंके नहीं हम, फेंकते तो अबे फेंकते तो फेंक देते, इसलिए वापस से डुबाते हैं। यू काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया इधर, बहुत बहुत अल्टीमेट फन हुआ। बट हाँ, घर वाला को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का याद आ रहा है कि जब एक साथ सब कोई थे कितना मज़ा आ रहा था। अभी मज़ा आया बट उस टाइम कुछ अलग लेवल का मज़ा आ रहा था। फैमिली के साथ वापस आएंगे भाई, अभी जाके उतना मज़ा नहीं आया, बट फैमिली के साथ जो मज़ा है वो अल्टीमेट है, सबको लेकर के आएंगे, बहुत जल्द आएंगे सबको लेकर के। A few moments later. तो बस स्विमिंग पूल से नहा करके हम लोग आ चुके हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय किए, काफी ज्यादा मजा आ गया गाइस। तो अभी इधर बैठे हुए हैं, आयु सब गया नहाने के लिए, और मैं इधर तब तक बालकनी में बैठ करके धूप में सुखा रहा हूँ अपने आप को। और थोड़ा ही देर में रिसोर्ट को कर देंगे हम लोग बाय बाय, चेकआउट करने का टाइम लगभग हो ही गया, 11 बज चुका है, बट हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे आधा घंटा, क्योंकि नहाना बाकी है, नहा करके फिर निकल जाएंगे रिसोर्ट को छोड़ करके। जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट हाँ नेक्स्ट टाइम आएंगे और
और फुल फैमिली को लेकर गएंगे। मेरा फैमिली मेंबर जो जो ब्लॉग देख रहे हैं सबको लेकर गए, सबको आना पड़ेगा, मजा आएगा तब। 20 minutes later तो बस अपने को इधर मिल चुका है बिल वगैरह सब कुछ, एंड जिस चीज के लिए आए थे सेलिब्रेशन करने के लिए वही नहीं हो पाया। ये लोग बोला कि इन लोग का एक अलग से रूम है, तो अगर आप उधर सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो 10,000 रुपया लगेगा। तो कौन देगा भाई उतना केक काटने का 10,000 रुपया प्लस टैक्स, वो अलग है। इधर इन लोग का बाय बाय, देखो रियो नहीं लियो। क्या हो गया लियो लोग अपना धुन में व्यस्त है। चलिए इन लोग को बाय बाय करते हैं, निकल चलो ब्रो निकलते हैं अभी। 2 hours later तो फाइनली आ चुका है भाई का घर, बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। फाइनली आकाश को बाय कहेंगे, ये दो दिन एक्चुअली नहीं था, पता ही नहीं चला। आप लोग तो प्रीवियस ब्लॉग देखे, हम लोग गए थे रिसॉर्ट में, उधर पूरा एंजॉय किए, मस्ती किए। चलो बाय बाय, अब लोग बैग निकालना। अच्छा बैग निकालना, अच्छा ओके। बाप रे वो गाड़ी के पीछे का हाल हुआ, बाप रे हालत खराब, हालत खराब। ओके ब्रो बाय बाय, बाय जाना, जाके कॉल करना, एकदम कॉल करेंगे। बहुत मजा आया, थैंक यू फॉर द ट्रिप, थैंक यू फॉर द ट्रीट, थैंक यू। ओके वेलकम ब्रो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, जल्दी आके कंप्लीट हो जाए, थैंक यू सो मच। चलो आप लोग मेरे व्लॉग में किया शोरूम को बहुत बार देखे हैं, तो इस बार मुझे जानने को आया है कि किया शोरूम का पूरा लुक ही चेंज कर दिया, ऐसा कुछ मुझे सुनने में आया। देखते हैं जाकर के कैसा क्या है, तो बहुत एक्साइटेड है हम लोग। ये देखिए पहले ही था पूरा रेड, अभी कर दिया ब्लैक, ये देख सकता है जूही पूरा चेंज ही कर दिया। महिंद्रा का भी पता ऐसा हो गया, पहले रेड था वो ब्लैक कर दिया, हर महिंद्रा का शोरूम लोगो भी चेंज, हर लोगो तो चेंज। ये दिखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ। पहले वाला भी अच्छा था, ये भी अच्छा, दोनों ही अच्छा, अच्छा अच्छा ही था पहले वाला भी, सही है। फिर रख दे तो तभी इधर सर्विस में बहुत टाइम लगता है, इसलिए अपन लोग इधर ऑर्डर कर चुके हैं स्विगी से मोमोज, तो ये लेकर के आ रहा है। चलो अंदर ही खाते हैं शोरूम का। बाकी एक्चुअली हम लोग सुबह सुबह निकले थे तो काफ़ी ज़्यादा इधर भूख भी लगा हुआ था, तो सोचे कुछ ऑर्डर ही कर लेते हैं। तो हम लोग ऑर्डर कर चुके हैं मोमोज, पर काम चल रहा है लाइक ठीक है, 3 प्लेट ऑर्डर किए मेरा, डीजे का, मम्मी का, हो जाएगा इससे हम लोग। चलिए आ गया अपना मोमोज, सर्व कीजिए अच्छे से। 6 hours later तो अभी जाके अपना गाड़ी का काम एकदम फुल्ली डन कंप्लीट, एकदम चकाचक, टाइम देख सकते हैं लगभग 7 बजने का आया, सही है ब्रो। ये पूरा शोरूम खाली हो जाता तब हम लोग निकलते हैं। चलिए आइए, 1 बजे आए थे, 7 बजे जा रहे हैं क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं भैया। अभी इतना ज्यादा जाम लगा हुआ कि कैसे करके शोरूम से निकले हम लोग को पता है, अभी यू टर्न लेना है तो यू टर्न कैसे लेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रक वाला ऐसा है ना कि यू टर्न लेने तक का जगह नहीं दे रहा, कि मतलब सबको इतना जल्दी है पीछे पीछे पीछे। देखिए आप देखिए पीछे वाला जो ट्रक है उसको देखिए आप, भाई साहब जाने दे जाने दे, घूम तो कुछ ऐसा करके घूमना पड़ा अपने को, अब खाली रास्ता मिलेगा। भाई हालत खराब हो गया एकदम, हालत खराब, देख रहे हैं जाम, देख रहे हैं जाम मतलब कितना दूर लगा हुआ, कोई ठीक ठिकाना नहीं है, पूरा जाम है, पूरा जाम है रास्ता में। A few inches later, आ चुके मनोज भैया के पास। तो अनाउंसमेंट अभी नहीं करते, कुछ दिन बात करते हैं क्या, कुछ बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, बहुत एक बढ़िया चीज, बहुत एक शानदार चीज होने वाला, हम लोग प्लान किए हैं बहुत अच्छा, क्या मनोज भैया सही बात है या नहीं, एकदम फिर मचाएंगे नेक्स्ट लेवल का पूरा एकदम डन। यो तो रुके हुए एक रेस्टोरेंट पर, इधर पहले सोचे हम लोग का प्लान था कि कुछ खाना वाना खाएंगे, तो अभी प्लान चेंज हो गया, अभी सोचे कि सीधा चले जाते हैं घर, घर पहुँच के उधर ही खाना खाएंगे, और इधर हम लोग रेस्टोरेंट से खाना वगैरह पैक करवा ले रहे हैं हम लोग। बाकी इधर इसका भी मुँह सूखा हुआ है, मम्मी का भी, कोई हम लोग सुबह से उतना कुछ खाए ही नहीं है तो भूख तो लग रहा है। तो अपने को कुछ नहीं, अपने को कंटेंट चाहिए, बस आप लोग वीडियो देख के एंजॉय कीजिए, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बार बार वही बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल के होने वाले, मतलब मेरे से रहा नहीं जा रहा कि मैं अपन लोग को बताऊँ, आप लोग को बताऊँ, बट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इंस्टा पे आप लोग चले आएंगे, इंस्टा पर आपको सब कुछ पता चलेगा कि क्या होने वाला है और क्या चीज़ है। कुछ बोला जाओगे ना? मेरा भी इंस्टाग्राम ना नहीं दीजिएगा, क्या आईडी क्या है बता दो,
तो फाइनली पहुंच चुका है गाइस घर। एंड हाँ, जो लोग इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता लग गया कि मैं क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या बड़ा होने वाला है। तो इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज इंस्टाग्राम पे पहले सब कुछ अपडेट आ जाता है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, आईडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एंड डीजे पे फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी आईडी DJ180 है, तो उसका फॉलो कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलता है, सो बाय बाय फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो सो बाय बाय।